हे गाइस, वेलकम बैक टू najjuworld। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस वाले रेड बटन को दबा दीजिए और साथ ही बाजू वाले बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो रखूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो आज मैं आपके साथ एक व्लॉग शेयर करने वाली हूँ जो कि बकरीद के दिन, ईद के दिन सुबह से शाम तक कैसे चला मेरा दिन, तो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो पहले आता है ईद, मतलब ईद से पहले मेहंदी की तैयारी लगी रहती है। तो यहाँ पर मैं मेरे और मेरे बेटी के दोनों के मेहंदी डिज़ाइंस आपके साथ शेयर करने वाले हूँ। ये है मेरे बेटी के हाथ, तो आप देख सकते हैं मेरे बेटी के छोटे छोटे हाथों पर लाल लाल मेहंदी कितनी अच्छे से रची हुई है। और मैं इस मेहंदी का अलग से वीडियो तो नहीं रिकॉर्ड किया है, बट आप इसमें ही मैं आपको बहुत ही क्लियर से दिखा रही हूँ मेरे बेटी के मेहंदी डिज़ाइंस। सिंपल सा डिज़ाइन लगाया हुआ था। तो ये थे मेरे बेटी के मेहंदी डिज़ाइंस। तो चलिए मैं अब आपको मेरे मेहंदी डिज़ाइन दिखा देती हूँ। तो देखिए, ये था मेरा मेहंदी का डिज़ाइन। तो इसके लिए तो मैं आपको वीडियो पोस्ट कर दूँगी, आप इंतज़ार करते रहिएगा। बस इसमें मैं आपको मेहंदी रंग आने के बाद दिखा रही हूँ। इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा है, तो बहुत जल्द ही मैं इसका वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो ये थे मेरे दोनों हाथों की मेहंदी। तो अब चलिए ईद के दिन का तैयारियां देख लेते हैं। तो सुबह सुबह आता है नाश्ते की तैयारी, जो कि हमारे यहाँ हमारे बचपन से लेते हुए इसी ब्रेकफास्ट को तैयार किया जाता है, जो कि है चपाती और उसके साथ कोफ्ते। तो देखिए, आज के दिन, ईद के दिन सुबह सुबह हमारे घर पर हर ईयर यही ब्रेकफास्ट बनाया जाता है, चपाती और इसके साथ कोफ्ते, और चिकन करी भी बनाया जाता है, बट बेसिकली ये दोनों ट्रेडिशनल है। तो इसके बाद है ब्रेकफास्ट के बाद खुरबानी टाइम, जहां मैं आपको हमारा बकरा दिखाने वाली हूं। देखिए, ये है हमारा क्यूट सा बकरा जो कि अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाला है, आप देख सकते हैं। ये थे हमारे जाम के पत्ते जो कि बड़े मज़े से खाता है हमारा बकरा। तो इसके बाद है इसका कुर्बानी का टाइम। तो यहाँ पर इस बकरे की कुर्बानी चल रही है। तो अब आती है दोपहर की बारी, मतलब दोपहर में स्पेशल लंच, जिसमें बनाया गया है मेरी मॉम की हाथों की बिरयानी और उसके साथ रायता और उसके साथ दूसरा वाला करी। इसको मैंने थोड़ा लेट से शूट किया था, तो इसीलिए थोड़ा लाइटिंग भी दिख रही है आपको। तो ये था हमारा दोपहर का लंच। अब देखिए, जो मटन आया था हमें, उससे मैं इसमें ड्राई खबाब कैसे बनाया जाता है वो आपको बस वीडियो के थ्रू दिखा दूंगी। आई होप आप सबको पता ही होगा, बट हमारे यहाँ कैसे बनाया जाता है वो मैं बस आपको शॉर्टकट में दिखा दूँगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 2 kg मटन को लिया है। इस तरह बोनलेस मटन को लेना होगा। तो इस तरह से एक पीस को लेकर कैसे इससे खबाब बनाया जाता है आप देख सकते हैं। इसको लंबा बनाना होगा ताकि ये जल्दी से ड्राई हो जाए। इस तरह से एक होल भी बना लीजिए, देखिए इस तरह से होल बनाना होगा जिससे हमें इसको ड्राई करने में आसानी हो जाएगी। तो अब इसमें मसाले डाल लेते हैं, जिसके लिए पहले हमें स्वाद अनुसार नमक डालना होगा, मतलब 1 या 1.5 teaspoon salt, एंड इसके बाद 1 tablespoon
रेड चिल्ली पाउडर को डाल लीजिए, और इसके बाद आती है इसमें गरम मसाले को डाल लीजिए। गरम मसाले को डालने के बाद थोड़ी सी हल्दी को डाल लीजिए। इन दोनों को डालने के बाद अब इसमें हमें 2-3 टीस्पून जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट को डालना होगा। इन सभी को डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पर फुल्ली हमने बोनलेस मटन को ही लिया है। तो देखिए अब इस तरह से एक वायर को लेकर उसमें सारे हमने जो होल्स के साथ खबाब को बनाया था उस वाले को इसमें पुरो दीजिए, और उसके बाद इसको सूखने देना होगा। उसके बाद हमारे ड्राई खबाब जो है वो तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से पुरो कर हमने इसको वन नाइट सुखो लिया था, तो दूसरे दिन सुबह मैं आपको दिखा रही हूँ। और भी इसको अच्छी तरह से अच्छे से धूप में सुखाना होगा, इसके बाद ड्राई खबाब जो है हमारे रेडी हो जाएंगे। इसे आप जितना ड्राई करेंगे उतना इसकी शेल्फ लाइफ पड़ेगी, इसमें से मॉइस्चर पूरी तरह से ड्राई होना पड़ेगा। तो ये था मेरा आज का बकरीद का व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल बटन को भी दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।